हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। गल्फ में, दुबई में, कहीं भी कोई जॉब इशू होती है, सबसे पहले आती इस चैनल पे। सो अगर हम चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि जो आज का टॉपिक है वो है दुबई के सैलरी पैकेज के ऊपर। दुबई में जो लोएस्ट जॉब होती हैं, जो हाईएस्ट जॉब और लोएस्ट जॉब्स के रिगार्डिंग जो जॉब की सैलरी पेड होता है, वो इस पर आज मैंने एक वीडियो बनाई है। जो टॉपिक है, बहुत से लोगों ने मैसेज करके पूछा था कि सैलरी पैकेज दुबई में क्या रहता है। प्रोफेशनल से जो प्रोफेशनल जॉब होती हैं और जो लोअर जॉब होती हैं, लेबर हेल्पर कैटेगरी में होती है, क्या स्टार्टिंग सैलरी पैकेज रहता है। तो चलिए इसके बारे में जानने के लिए स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड, जो हाईएस्ट पैकेज जॉब जो होती हैं, जो हाईएस्ट में जो प्रोफेशन है, जो मतलब प्रोफेशन जो हाईएस्ट जॉब दुबई में जो प्रोवाइड करते हैं, जो हाईएस्ट सैलरी प्रोवाइड करते हैं, तो फर्स्ट नंबर पे आता है शेफ मार्केटिंग ऑफिसर, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर। चीफ मार्केटिंग ऑफिसर का जो होता है, अब इसे देख सकते हैं कि इसमें सैलरी 7,000 से 25,000 दिरहम के बीच में रहती है। और सेकेंड जो प्रोफेशन है वो है फाइनेंस एंड अकाउंटिंग प्रोफेशनल, मतलब फाइनेंस और अकाउंटिंग का जो काम रहता है, जो अकाउंटिंग का जो रिकॉर्ड बनाना होता है, पेमेंट वेमेंट का पूरा जो अकाउंटिंग का जितना वर्क रहता है, उसमें सैलरी पैकेज 6,000 से 14,000 रहता है। और लॉयर जो होते हैं, वकील जो होते हैं, जो सैलरी पैकेज दुबई में रहता है इनका, 9,000 से 15,000 के दरम के बीच में रहता है। और जो डॉक्टर्स होते हैं, जो सेकेंड फोर्थ जो प्रोफेशन है हमारा, वो डॉक्टर का है। डॉक्टर जो होते हैं, डॉक्टर का भी प्रोफेशन अच्छा रहता है, 4,000 दरम से इनकी स्टार्टिंग होती है। और फिर जो फिफ्थ नंबर पर आते हैं वो बैंकर्स आते हैं, जो बैंक में टेलर वेलर की जॉब जो करते हैं, टेलर का काम रहता है। जितना भी बैंक में जो वर्क करते हैं प्रोफेशनल लेवल पे, उनकी सैलरी पैकेज मतलब अच्छा रहता है, 11,000 दरम से स्टार्टिंग रहती है। इंजीनियर्स होते हैं, इंजीनियर्स की बात कर लें, जो इंजीनियर्स में जो सैलरी पैकेज रहता है वो आप देख सकते हैं स्क्रीन पे कि ये सैलरी पैकेज रहता है उस पे। और जो अच्छा मतलब हाईएस्ट पे जो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट होता है वो आईटी मैनेजर, जो आईटी मैनेजर पे जितनी भी जॉब रहती हैं, जितना भी काम रहता है आईटी फील्ड से रिलेटेड, वो आप देख सकते हैं ये सैलरी पैकेज रहता है उसमें। सो फ्रेंड्स, अब बात कर लेते हैं लोअर पैकेज, सैलरी पैकेज जो लोअर मतलब जो कम पेड करते हैं, जो कम पेमेंट मिलता है, जिनकी जो सैलरी होती है वो लोअर पे लेवल पे रहती है। सो सब फर्स्ट नंबर पे आता है टीचिंग का। तो टीचिंग का सैलरी पैकेज जो होता है वो आप देख सकते हैं आप स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है, ये सैलरी पैकेज रहता है टीचर का। और अकाउंटिंग में जो सैलरी पैकेज रहता है इसमें, जो अकाउंटेंट होते हैं बीकॉम करने के बाद, जो अकाउंटिंग फील्ड में टैली सॉफ्टवेयर पे जो रियलिटी जो हल्के सॉफ्टवेयर पे जो काम रहता है, वो सारे पैकेज उस पे जो सैलरी पैकेज रहता है वो ये रहता है। और फिर जो आता है थर्ड नंबर पे बार मैनेजर, बार मैनेजर का भी मतलब सैलरी पैकेज कम रहता है, जिस हिसाब से देखा जाए इंडियंस के हिसाब से तो सही रहता है, लेकिन वहाँ के लोगों के हिसाब से जो सैलरी पैकेज है वो कम है। इसमें 5,000 से स्टार्टिंग रहती है बार मैनेजर का, आप देख सकते हैं स्क्रीन पे फ्लैश हो रहा है। और फिर फोर्थ नंबर पे आता है ड्राइवर, ड्राइवर का सैलरी पैकेज जो है दुबई का, ये 2,000 से स्टार्ट होता है, 4,500 मतलब 2,000 से स्टार्टिंग रहती है इसकी ड्राइवर की सैलरी पैकेज की, 2,000 से स्टार्टिंग इसमें रहती है। और फिर फिफ्थ नंबर पर बात करते हैं मेड एंड नर्सेज, जो क्लीनर्स होते हैं, जो क्लीनर का काम करते हैं दुबई में, जो क्लीनिंग का काम रहता है, उनकी सैलरी जो होती है वो 2,500 से मतलब 2,500 पे स्टार्ट होती है। जो लेडीज़ जो होती हैं, जो लेडीज़ जो काम करती हैं मेड का, उनकी सैलरी की बात करें तो 2,500 सैलरी उस पर रहती है। अब बात करते हैं लेबर और हेल्पर की, कि सैलरी की स्टार्टिंग कहाँ से होती है। सो लेबर की और हेल्पर की सैलरी की स्टार्टिंग जो रहती है वो रहती है 8,996 से, मतलब 800 करीब, मतलब 800 पर सैलरी पैकेज रहता है, 800 से स्टार्टिंग होती है और वो 1,200-1,500 तक। हमारे वहाँ जो वीज़े आते हैं दुबई के, वो भी इसी स्टार्टिंग रहती है, 800 प्लस 200, 1,000 प्लस 200, इस टाइप से सैलरी रहती है जो लेबर हेल्पर में रहता है। जो लेबर हेल्पर में जाना चाहते हैं उन लोगों के लिए, लेबर हेल्पर में जितना भी रहता है वो सैलरी पैकेज यही रहता है। सो फ्रेंड, ये शायद सैलरी पैकेज दुबई के लिए, अगर आप इंटरेस्टेड मतलब जो अगर आप देख सकते हैं, अगर आप ढूंढ रहे थे सैलरी पैकेज दुबई में क्या रहता है प्रोफेशनल से लोअर जॉब के लिए, तो ये सैलरी पैकेज रहता है जैसा मैंने अभी बताया आपको, विद इमेज बताया कि इस सब सैलरी पैकेज रहता है। सो फ्रेंड, अगर आप कहीं जा रहे हैं अपने प्रोफेशन के हिसाब से, मतलब चूज़ करें जो आपका प्रोफेशन जिसमें आपकी स्किल अच्छी हो, उस हिसाब से अप्लाई करें। सैलरी पैकेज मैंने आपको बताए दिए हैं, इस हिसाब से सैलरी आती है और इस हिसाब से सैलरी रहती है, सैलरी पैकेज ये रहता है इसमें। सो अगर आप वीडियो किसी थ्रू के देख रहे हैं तो शेयर करना बिल्कुल मत भूलें, क्योंकि यहाँ पे न्यू जॉब अपडेट आया करती हैं दुबई की, सऊदी की, सबकी, जो डायरेक्ट कंपनी से रिलेटेड होती हैं, जो डायरेक्ट कंपनी से होती हैं वो यहाँ पे आया करती हैं। सो फ्रेंड, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास किसी भी आपके पास किसी भी तरह का फ्रॉड हुआ है या कुछ हुआ है तो हमें व्हाट्सएप पर मैसेज करके बताएं, आपका कहीं पैसा फंसा है या जो कंपनी से आपके आपके साथ फ्रॉड गया है, तो इस चैनल पे शेयर करते हैं हम लोग,
और आगे जो मतलब आगे कुछ ऐसा हो ना उनके साथ, इसके लिए मतलब कोशिश करते हैं। सो अभी कल इंटरव्यू मेरा एक हुआ था, फैसल भाई साथ में थे, उनके साथ जो फ्रॉड हुआ और वो उन्होंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, वैसे आप भी अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। एक्सपीरियंस आप शेयर करेंगे मेरे साथ तो और लोग जो फंसने वाले हैं वो उस चीज़ से बच जाएंगे। मान लिया आपकी कंपनी ने सऊदी में किसी से फ्रॉड किया और आप वहाँ से निकल आए, और आप चाहते हैं कि मतलब आपने मेरे साथ करने चैनल तो शेयर किया, तो जो बंदा और जो फंसने वाला था वो तो बच जाएगा आपके आपके ज़रिए, वो उसके मतलब उस वो सेफ़ रहेगा। सो फ्रेंड, अगर आपके साथ ऐसा कुछ हुआ है तो शेयर करें, ज़रूर शेयर करेंगे। हम लोग चेन स्टार्ट करिए कि कोई भी कंपनी जो फ्रॉड कर रही हो या कुछ कर रही हो तो आप नीचे कमेंट्स में करके बताएं, और जो आपको सवाल पूछना होगा तो कमेंट्स में पूछा करें, व्हाट्सएप पे से वही लोग मैसेज किया करें जो बहुत ज़रूरी बात हो। जैसे आपको कुछ पूछना है तो आप नीचे कमेंट में जाके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछना हो या किस चीज़ पे टॉपिक पे वीडियो चाहिए हो तो आप नीचे कमेंट में आके पूछ सकते हैं। तो फ्रेंड, ये था आज का वीडियो, अगर अच्छा लगा लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा।